लोगों के साथ ज़्यादती की हो, जिस तरह उसने मेरे माँ के साथ ज़्यादती की हो और कोई उसको मारने की कोशिश करता है। व्यूवर जब मुरीद अस्मा की बेचैनी देखती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि हाँ मैंने गलत किया। व्यूवर्स फिर आप देखेंगे कि वो जाएगा अपने बाप की खबर पे और कहेगा कि मैंने बाबा अपने बीवी के साथ बहुत ज़्यादती की। व्यूवर्स मुरीद कहेगा कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया अपने माँ से कहेगी, लेकिन ये कहेगा कि मैंने अपनी बीवी से ज़्यादती की। व्यूवर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो मुस्तफ़ा को ये कहेगा कि तुम अमीन कुरैशी को मारने की कोशिश ना करो, क्योंकि अगर अमीन कुरैशी मर गया तो उसके साथ जुड़े लोगों को दुख पहुँचेगा और मैं नहीं चाहता कि अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल नमक हराम की अगली किस्म में आप देखेंगे व्यूवर्स मुरीद ने अब मुस्तफ़ा को ये कह दिया, उसकी इजाज़त दिया कि मुस्तफ़ा अब तुम जो भी कर रहे हो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा, तुम अगर अब अमीन कुरैशी को जान से मारते भी हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने अब बहुत ट्राई की उसको गिराने में लेकिन मैंने उसको नहीं गिराया। मैंने तो हाँ उसको दर्द और तकलीफ़ बहुत दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके माली नुकसान हो जाए और वो अपनी नाकामी अपनी ज़िंदगी में देख ले, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब बहुत बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि मैंने ट्राइज़ किया लेकिन मैं नाकाम रहा और अब तुम्हारी अपनी इख्तियार है, तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। व्यूअर्स ये मुस्तफ़ा सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगा। व्यूअर्स अगले केस में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा उस पर अटैक करेगा और वो ज़ख्मी हो जाएगा और बहुत बड़ा गहरा ज़ख्म उसके जिस्म पे आएगा। व्यूअर्स जब अस्मा को अपने बाप के बारे में पता चलने होती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो मुरीद से कहती है कि मुरीद मेरे बाप को किसने मारा और किसने ये कोशिश की कि वो मर जाए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद कहेगा कि मुझे कुछ पता नहीं है, हो सकता है कि तुम्हारे बाप ने बहुत लोगों के साथ ज़्यादती की हो, जिस तरह उसने मेरे माँ के साथ ज़्यादती की हो और कोई उसको मारने की कोशिश करता है। व्यूवर जब मुरीद अस्मा की बेचैनी देखती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि हाँ मैंने गलत किया। व्यूवर्स फिर आप देखेंगे कि वो जाएगा अपने बाप की खबर पे और कहेगा कि मैंने बाबा अपने बीवी के साथ बहुत ज़्यादती की। व्यूवर्स मुरीद कहेगा कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया अपने माँ से कहेगी, लेकिन ये कहेगा कि मैंने अपनी बीवी से ज़्यादती की। व्यूवर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो मुस्तफ़ा को ये कहेगा कि तुम अमीन कुरैशी को मारने की कोशिश ना करो, क्योंकि अगर अमीन कुरैशी मर गया तो उसके साथ जुड़े लोगों को दुख पहुँचेगा और मैं नहीं चाहता कि अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल नमक हराम की अगली किस्म में आप देखेंगे व्यूवर्स मुरीद ने अब मुस्तफ़ा को ये कह दिया, उसकी इजाज़त दिया कि मुस्तफ़ा अब तुम जो भी कर रहे हो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा, तुम अगर अब अमीन कुरैशी को जान से मारते भी हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने अब बहुत ट्राई की उसको गिराने में लेकिन मैंने उसको नहीं गिराया। मैंने तो हाँ उसको दर्द और तकलीफ़ बहुत दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके माली नुकसान हो जाए और वो अपनी नाकामी अपनी ज़िंदगी में देख ले, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब बहुत बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि मैंने ट्राइज़ किया लेकिन मैं नाकाम रहा और अब तुम्हारी अपनी इख्तियार है, तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। व्यूअर्स ये मुस्तफ़ा सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगा। व्यूअर्स अगले केस में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा उस पर अटैक करेगा और वो ज़ख्मी हो जाएगा और बहुत बड़ा गहरा ज़ख्म उसके जिस्म पे आएगा। व्यूवर्स जब अस्मा को अपने बाप के बारे में पता चलने होती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो मुरीद से कहती है कि मुरीद मेरे बाप को किसने मारा और किसने ये कोशिश की कि वो मर जाए। व्यूवर्स आप देखेंगे कि मुरीद कहेगा कि मुझे कुछ पता नहीं है, हो सकता है कि तुम्हारे बाप ने बहुत लोगों के साथ ज़्यादती की हो, जिस तरह उसने मेरे माँ के साथ ज़्यादती की हो और कोई उसको मारने की कोशिश करता है। व्यूवर्स जब मुरीद अस्मा की बेचैनी देखती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि हाँ मैंने गलत किया।
व्यूअर्स फिर आप देखेंगे कि वो जाएगा अपने बाप की खबर पर और कहेगा कि मैंने बाबा अपने बीवी के साथ बहुत ज़्यादती की। व्यूअर्स मुरीद कहेगा कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया अपने माँ से कहेगी, लेकिन ये कहेगा कि मैंने अपनी बीवी से ज़्यादती की। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो मुस्तफ़ा को ये कहेगा कि तुम अमीन कुरैशी को मारने की कोशिश ना करो, क्योंकि अगर अमीन कुरैशी मर गया तो उसके साथ जुड़े लोगों को दुख पहुँचेगा और मैं नहीं चाहता कि अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स मुरीद ने अब मुस्तफ़ा को ये कह दिया, उसको इजाज़त दिया कि मुस्तफ़ा अब तुम जो भी कर रहे हो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा, तुम अगर अब अमीन कुरैशी को जान से मारते भी हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने अब बहुत ट्राई की उसको गिराने में लेकिन मैंने उसको नहीं गिराया। मैंने तो हाँ उसको दर्द और तकलीफ़ बहुत दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके माली नुकसान हो जाए और वो अपनी नाकामी अपनी ज़िंदगी में देख ले, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब बहुत बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि मैंने ट्राई किया लेकिन मैं नाकाम रहा, और अब तुम्हारी अपनी इख्तियार है, तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। व्यूअर्स ये मुस्तफ़ा सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगा। व्यूअर्स अगले केस में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा उस पर अटैक करेगा और वो ज़ख्मी हो जाएगा और बहुत बड़ा गहरा ज़ख्म उसके जिस्म पर आएगा। व्यूअर्स जब अस्मा को अपने बाप के बारे में पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो मुरीद से कहती है कि मुरीद मेरे बाप को किसने मारा और किसने ये कोशिश की कि वो मर जाए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद कहेगा कि मुझे कुछ पता नहीं है, हो सकता है कि तुम्हारे बाप ने बहुत लोगों के साथ ज़्यादती की हो, जिस तरह उसने मेरे माँ के साथ ज़्यादती की हो, और कोई इसको मारने की कोशिश करता है। व्यूअर्स जब मुरीद अस्मा की बेचैनी देखती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि हाँ मैंने गलत किया। व्यूअर्स फिर आप देखेंगे कि वो जाएगा अपने बाप की खबर पर और कहेगा कि मैंने बाबा अपने बीवी के साथ बहुत ज़्यादती की। व्यूअर्स मुरीद कहेगा कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया अपने माँ से कहेगी, लेकिन ये कहेगा कि मैंने अपनी बीवी से ज़्यादती की। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो मुस्तफ़ा को ये कहेगा कि तुम अमीन कुरैशी को मारने की कोशिश ना करो, क्योंकि अगर अमीन कुरैशी मर गया तो उसके साथ जुड़े लोगों को दुख पहुँचेगा और मैं नहीं चाहता कि अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स मुरीद ने अब मुस्तफ़ा को ये कह दिया, उसको इजाज़त दिया कि मुस्तफ़ा अब तुम जो भी कर रहे हो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा, तुम अगर अब अमीन कुरैशी को जान से मारते भी हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने अब बहुत ट्राई की उसको गिराने में लेकिन मैंने उसको नहीं गिराया। मैंने तो हाँ उसको दर्द और तकलीफ़ बहुत दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके माली नुकसान हो जाए और वो अपनी नाकामी अपनी ज़िंदगी में देख ले, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब बहुत बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि मैंने ट्राई किया लेकिन मैं नाकाम रहा, और अब तुम्हारी अपनी इख्तियार है, तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। व्यूअर्स ये मुस्तफ़ा सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगा। व्यूअर्स अगले केस में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा उस पर अटैक करेगा और वो ज़ख्मी हो जाएगा और बहुत बड़ा गहरा ज़ख्म उसके जिस्म पे आएगा। व्यूअर्स जब अस्मा को अपने बाप के बारे में पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो मुरीद से कहती है कि मुरीद मेरे बाप को किसने मारा और किसने ये कोशिश की कि वो मर जाए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद कहेगा कि मुझे कुछ पता नहीं है, हो सकता है कि तुम्हारे बाप ने बहुत लोगों के साथ ज़्यादती की हो, जिस तरह उसने मेरे माँ के साथ ज़्यादती की हो, और कोई इसको मारने की कोशिश करता है। व्यूअर्स जब मुरीद अस्मा की बेचैनी देखती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि हाँ मैंने गलत किया। व्यूअर्स फिर आप देखेंगे कि वो जाएगा अपने बाप की खबर पर और कहेगा कि मैंने बाबा अपने बीवी के साथ बहुत ज़्यादती की। व्यूअर्स मुरीद कहेगा कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया अपने माँ से कहेगी, लेकिन ये कहेगा कि मैंने अपनी बीवी से ज़्यादती की। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो मुस्तफ़ा को ये कहेगा कि तुम अमीन कुरैशी को मारने की कोशिश ना करो, क्योंकि अगर अमीन कुरैशी मर गया तो उसके साथ जुड़े लोगों को दुख पहुँचेगा और मैं नहीं चाहता कि अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल
नमक हराम किया। अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, मुरीद ने अब मुस्तफ़ा को ये कह दिया, उसको इजाज़त दिया कि मुस्तफ़ा अब तुम जो भी कर रहे हो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा, तुम अगर अब अमीन कुरैशों को जान से मारते भी हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने अब बहुत ट्राई की उसको गिराने में लेकिन मैंने उसको नहीं गिराया। मैंने तो हाँ उसको दर्द और तकलीफ़ बहुत दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके माली नुकसान हो जाए और वो अपनी नाकामी अपनी ज़िंदगी में देख ले, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब बहुत बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि मैंने ट्राई किया लेकिन मैं नाकाम रहा, और अब तुम्हारी अपनी इख्तियार है, तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। व्यूअर्स, ये मुस्तफ़ा सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगा। व्यूअर्स, अगले केस में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा उस पर अटैक करेगा और वो ज़ख्मी हो जाएगा और बहुत बड़ा गहरा ज़ख्म उसके जिस्म पर आएगा। व्यूअर्स, जब अस्मा को अपने बाप के बारे में पता चलना होती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो मुरीद से कहती है कि मुरीद मेरे बाप को किसने मारा और किसने ये कोशिश की कि वो मर जाए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मुरीद कहेगा कि मुझे कुछ पता नहीं है, हो सकता है कि तुम्हारे बाप ने बहुत लोगों के साथ ज़्यादती की हो, जिस तरह उसने मेरे माँ के साथ ज़्यादती की हो और कोई उसको मारने की कोशिश करता है। व्यूअर्स, जब मुरीद अस्मा की बेचैनी देखती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि हाँ मैंने गलत किया। व्यूअर्स, फिर आप देखेंगे कि वो जाएगा अपने बाप की खबर पर और कहेगा कि मैंने बाबा अपने बीवी के साथ बहुत ज़्यादती की। व्यूअर्स, मुरीद कहेगा कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया अपने माँ से कहेगी, लेकिन ये कहेगा कि मैंने अपनी बीवी से ज़्यादती की। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो मुस्तफ़ा को ये कहेगा कि तुम अमीन कुरैशी को मारने की कोशिश ना करो, क्योंकि अगर अमीन कुरैशी मर गया तो उसके साथ जुड़े लोगों को दुख पहुँचेगा और मैं नहीं चाहता कि अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, मुरीद ने अब मुस्तफ़ा को ये कह दिया, उसको इजाज़त दिया कि मुस्तफ़ा अब तुम जो भी कर रहे हो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा, तुम अगर अब अमीन कुरैशों को जान से मारते भी हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने अब बहुत ट्राई की उसको गिराने में लेकिन मैंने उसको नहीं गिराया। मैंने तो हाँ उसको दर्द और तकलीफ़ बहुत दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके माली नुकसान हो जाए और वो अपनी नाकामी अपनी ज़िंदगी में देख ले, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब बहुत बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि मैंने ट्राई किया लेकिन मैं नाकाम रहा, और अब तुम्हारी अपनी इख्तियार है, तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। व्यूअर्स, ये मुस्तफ़ा सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगा। व्यूअर्स, अगली किस्त में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा उस पर अटैक करेगा और वो ज़ख्मी हो जाएगा और बहुत बड़ा गहरा ज़ख्म उसके जिस्म पर आएगा। व्यूअर्स, जब अस्मा को अपने बाप के बारे में पता चलना होती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो मुरीद से कहती है कि मुरीद मेरे बाप को किसने मारा और किसने ये कोशिश की कि वो मर जाए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मुरीद कहेगा कि मुझे कुछ पता नहीं है, हो सकता है कि तुम्हारे बाप ने बहुत लोगों के साथ ज़्यादती की हो, जिस तरह उसने मेरे माँ के साथ ज़्यादती की हो, और कोई उसको मारने की कोशिश करता है। व्यूअर्स, जब मुरीद अस्मा की बेचैनी देखती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि हाँ मैंने गलत किया। व्यूअर्स, फिर आप देखेंगे कि वो जाएगा अपने बाप की खबर पर और कहेगा कि मैंने बाबा अपने बीवी के साथ बहुत ज़्यादती की। व्यूअर्स, मुरीद कहेगा कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया अपने माँ से कहेगी, लेकिन ये कहेगा कि मैंने अपनी बीवी से ज़्यादती की। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो मुस्तफ़ा को ये कहेगा कि तुम अमीन कुरैशी को मारने की कोशिश ना करो, क्योंकि अगर अमीन कुरैशी मर गया तो उसके साथ जुड़े लोगों को दुख पहुँचेगा, और मैं नहीं चाहता कि अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, मुरीद ने अब मुस्तफ़ा को ये कह दिया, उसको इजाज़त दिया कि मुस्तफ़ा अब तुम जो भी कर रहे हो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा, तुम अगर अब अमीन कुरैशों को जान से मारते भी हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने अब बहुत ट्राई की उसको गिराने में लेकिन मैंने उसको नहीं गिराया। मैंने तो हाँ उसको दर्द और तकलीफ़ बहुत दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके माली नुकसान हो जाए और वो अपनी नाकामी अपनी ज़िंदगी में देख ले, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब बहुत बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि मैंने ट्राई किया लेकिन मैं नाकाम